नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। देश में कोरोना महामारी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि गरीबों की कमर तोड़ दी, और इसको देखते हुए सरकार ने तय किया कि गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। पर जिन राशन बांटने वालों को ये जिम्मेदारी दी गई, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और हर बार गरीबों को और ज़रूरतमंदों को राशन कम देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया झांसी के बाहर सैयर गेट इलाके से, जहां जिसे राशन वितरित करना था वो लोगों को हमेशा राशन कुछ कम दिया करता था। इस मामले में हमारे रिपोर्टर अंकित पचौरी ने जब मुझे सवाल किए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए वीडियो। जी, राशन की दुकान है यहाँ पर, क्या कहते हैं, गेहूँ और राशन कम तोला जाता है। जी बैठे, हमारे वार्ड नंबर 11 के, क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार। रवि कुमार, यहाँ पर राशन कितने टाइम से तुम्हारे पास कम आ रहे, तुम सबको जो कम दे रहे, एक दो दो किलो? पहले बोली थी कितना? हमारा 2 किलो राशन कम निकला है, इसलिए हम आपके पास आए। लेके आओ तभी देखेंगे। 2 किलो राशन कम निकला है, इसके जिम्मेदार कौन है? लेके आओ तभी देखेंगे। हर व्यक्ति को क्यों राशन कम दे रहे, इतने लोग खड़े हैं, उनको क्यों कम तोल रहे? कौन आ रहा है? सब लोग बैठे हैं। राशन का चाचा, तुम्हें कितना कम मिलता? जब भी आते राशन कम मिलता तुम्हें? मिलता जी राशन, सबको कम तोलते हैं। जी बैठे, वार्ड नंबर 11 में, क्या नाम है इसका? कांत प्रसाद नाम से राशन कार्ड खोले हैं। तुम्हें कितना राशन मिलता है इधर से? कितना कम राशन मिलता है हर बार? हर बार एक डेढ़ किलो। एक डेढ़ किलो मिलता? तुम लाए जाते भाई, कितना राशन कम मिलता? तुम कितना राशन लेगा, तुम्हें कितना कम मिला? 2 किलो। सबका कम निकलता है ना। पता नहीं ये कौन है, राशन तोल रहा, गरीबों का हक मार रहा है। यही बेटा है बाहर से गेट में, रवि। इस मामले को झांसी के जिलाधिकारी तक पहुँचा दिया गया है और वह इसका संज्ञान ले चुके हैं, और इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। तब तक देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।